नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कंट्रोलर में जो कंट्रोलर ओके नहीं आता है और जो कंट्रोलर में एक फॉल्ट आता है कंट्रोलर फॉल्ट, ठीक है। और जो रेड इंडिकेशन ये जो बाहर है जल जाता है, तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों जल जाता है और इसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो उस बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंट्रोलर पे, ठीक है। देखिए हमारा, जैसा कि आप देखे होंगे कि हमारा कंट्रोलर है, ठीक है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलता है, कोई कंट्रोलर बोलता है, कोई सीपीयू बोलता है, अलग अलग नामों से कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। अब जिसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो है यहाँ पे देखेंगे ये कंट्रोलर ओके का, ठीक, ये देखिए, और एक है यहाँ पे फॉल्ट का, ठीक है। तो कंट्रोलर ओके का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कहीं सप्लाई आती है, ये इंटरनल सप्लाई है, ये खुद ही बताता है कि हम कंट्रोलर ओके है, ठीक है। तो अब जैसे अब कंट्रोलर ओके नहीं आ रहा, किसी का कंप्लेन है कि कंट्रोलर ओके नहीं आ रहा, ठीक है, और किसी का है कि ये फॉल्ट आ जा रहा बार बार, जब भी ऐसे फॉल्ट आ रहा तो पैनल के बाहर भी आपकी लाइट जलती रहेगी, तो ये दोनों फॉल्ट आते कैसे हैं और कैसे सही होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोलर ओके का। तो कंट्रोलर ओके जब ही आपका ओके आएगा, जब ये सिस्टम पूरी तरह से अपडेट रहेगा, ठीक है, सिस्टम में कोई कमी रहेगी इसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में, तो कंट्रोलर ओके नहीं आएगा, ठीक है। चाहे आपका वो सेंसर गड़बड़ हो या इनपुट में कोई लफड़ा हो या कोई भी तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई अगर दिक्कत रहेगी, तो कंट्रोलर ओके आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप समझिए कंट्रोलर ओके इंटरनल इसका मामला है, इंटरनल इसको इंडिकेट करता है, बस इंडिकेशन देता है कि कंट्रोलर ओके है, कंट्रोलर मतलब सब कुछ से सक्षम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अब ये फॉल्ट क्यों जलता है, तो फॉल्ट जलने का देखो सबसे रीजन क्या है, जैसे हम यहाँ आप देखते होंगे ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो आउटपुट जब ही ऑन होगा जब इनपुट उसका कमांड ओके देगा, मतलब इनपुट बराबर कमांड देता रहेगा सही, तो कमांड क्या देता है, ये 400 वोल्ट ओके है, तो ये क्या है, ये शो करता है कि पैनल के अंदर 400 वोल्ट ओके है कि नहीं। ये कंडीशनर क्या है, तो ये रोटरी से ऑन ऑफ कर देते हैं, ये दो कंडेंसर का टीओपी है, तो ये बताता है कि जो कंडेंसर का टीओपी है वो हीट नहीं है, कंडेंसर ओके पोजीशन में है, तो वो ओके दिखाता है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ये ब्लोअर फॉल्ट का है, अगर ब्लोअर में टीओपी फॉल्ट हो जाता है तो यहाँ रेड इंडिकेशन जल जाता है। नीचे क्या है, ओएचपी का है, तो ये है दिखाता है कि ओएचपी ओके, उसके दो नीचे क्या है, तो ये कंट्रोल पे ये एलपी है, तो दिखाता है कि कंप्रेसर के अंदर जो गैस है वो ओके है, तो ये जलता है, ठीक है। इधर भी देखेंगे 400 वोल्ट ओके है, ये दिखाता है कि पैनल में 400 सप्लाई आ रही है, ठीक है। ये दो कंडेंसर का सेम जैसा इधर है वैसा इधर है, अब इधर आ गया, ठीक है, कंडेंसर ओके है टीओपी, ठीक है। ये इसका ब्लोअर एयर फॉल्ट है, तो ये लाइट जल जाएगी, तो समझो कि आप ब्लोअर में टीओपी फॉल्ट है। किसी किसी में लाइट रेड भी होती है, इसमें हरा है, ठीक है। अब देखो ये जो टेम्परेचर हीटर दे रही है ओएचपी का, ये भी ओके का इंडिकेट करता है, और दो एलपी का है, तो ये भी दिखाता है कि कंप्रेसर के अंदर गैस ठीक है। तो अभी इनपुट क्या है, मिलने के बाद आउटपुट उसी अनुसार काम करता है। तो जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कोई भी फॉल्ट, इन इनपुटों में से कोई ऐसा फॉल्ट जो एक मिनट के अंदर लगातार तीन बार ग्लो कर जाएगा, तो ये फॉल्ट जल जाएगी, ठीक। अब जल गई, अब फॉल्ट क्यों जलता है, मान लो रनिंग में स्कॉटिंग कर रहा है स्टाफ, और वो हर एक सीपीयू के बाहर तो बैठा नहीं रहेगा, देखता रहेगा कि अरे सीपीयू में क्या हुआ नहीं हुआ, या हर बार हर कोच का सीपीयू को दरवाजा खोल के तो अंदर नहीं देखेगा, तो इसीलिए एक तो ये फॉल्ट आ जाता है, और ऊपर देखेंगे तो जस्ट एक बाहर जो इंडिकेट एलईडी जल जाती है हमारे, ये ऐसे देखेंगे ये जो फॉल्ट वाली, तो इसलिए है कि अगर मैकेनिक बाहर से रनिंग करते हुए जा रहा है उसे पता चल जाए कि ये सीपीयू में फॉल्ट है, तो वो क्या करेगा, वहां पर रुक के फिर अंदर देख लेगा कि क्या फॉल्ट है, ठीक है। और फॉल्ट को हम रिमूव कैसे करेंगे और कैसे जानेंगे, तो देखिए सबसे बड़ी बात है क्या बताया कि इनपुट में एक मिनट के अंदर कोई भी ऐसा फॉल्ट जो लगातार तीन बार ग्लो कर जाए, तो ये फॉल्ट जल जाएगा। अभी हम आपको मैन्युअली इसका एक एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं, आप ऐसा करने की कोशिश नहीं करना, हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए अभी एक कंप्रेसर चल रहा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे ना, मैन्युअली इसको हम फॉल्ट कराएंगे, लगातार तीन बार एसपी फॉल्ट कराएंगे, तो नीचे सबको पता होगा कि दो एसपी फॉल्ट का तार है। तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इसमें एक तार डाल रहे हैं, ठीक है, ये डाल दिए। अब इसको क्या करें, हम लगातार तीन बार ग्लो कराएंगे एक मिनट के अंदर ही। देखिए एक बार ग्लो हो गया, ठीक, फिर एक बार हम ग्लो करा रहे हैं, दो बार ग्लो हो गया। अब इसको भी ध्यान रखना, दो बार ग्लो हो चुका है, ये तीसरा बार भी हमने ग्लो करा रहे हैं, ये देखिए जल गया, ये जल गया, ठीक है, अब जल गया। अब देखिए ये क्या करेगा, परमानेंट ऐसे बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए अभी जब आप देख रहे थे बाहर से वीडियो की स्टार्टिंग में, तो ये नहीं जल रहा था, अब ये जल गया, ठीक है। और यहाँ भी आपको ये कर देगा कि एसपी, ठीक है, 2.2 एसपी फॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब कि सीपीयू में फॉल्ट आ गया, उस फॉल्ट को रिमूव करिए। तो ये जो लाइट है ऐसे नहीं एचपी में जलेगा, एलपी में भी जल जाएगा, कंट्रोल प्रेशर में भी जल जाएगा, कंडेंसर के ट्यूब में जल जाएगा, ब्लोअर के ट्यूब में, किसी भी तरह से कोई फॉल्ट अगर सीपीयू ने एक मिनट के अंदर 3 बार रीड किया तो जल जाएगा। ठीक है, अब ये जलता ही रहेगा। कब तक जलेगा? जब तक ये सीपीयू के पास मैकेनिक नहीं आएगा तब तक ये बाहर भी इंडिकेट करता रहेगा लाइट और सीपीयू के अंदर भी करता है। देखिए हमने तार निकाल दिया, ठीक है, ये एचपी का यहाँ पे ग्लोब बंद हो गया, ठीक है, लेकिन तब भी ये फॉल्ट जल रहा है। अब ये फॉल्ट आपका नहीं जाएगा, ठीक है। अब बाहर देखो, बाहर देखिए जलता ही रहेगा। ये कब तक जलेगा? अब पूरी गाड़ी चल के आ जाएगी तब तक जलेगा, ठीक है। अब जाएगा कैसे और इसका निदान क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये क्या इसने बताया, अब हमें तो नहीं पता, हम अब जैसे हम इस कोच को दोबारा आएंगे लाइट देख के, जैसे हमने बाहर लाइट देखेंगे तो समझ जाएंगे इसके अंदर फॉल्ट है। तो हम यहाँ पे आएंगे, तो आने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार 35 नंबर को एमसीबी गिरा के रिसेट करेंगे। तो देखिए हम 35 नंबर गिरा दिए, ये रिसेट हो गया, ठीक। अब ये इंडिकेशन चला गया, ठीक है, अब चला तो गया, लेकिन अगर फिर रिसेट करने के बाद फिर दोबारा अगर ये एक मिनट के अंदर फिर 3 बार कोई भी फॉल्ट रीड करेगा तो फिर उस टाइम क्या करेगा, फिर इंडिकेट कर देगा कि फॉल्ट है, ठीक है। तो उसको जरूर देखना था, जब भी अगर ऐसी कोई फॉल्ट आ जाए आपके पास तो एक बार एमसीबी को रिसेट करने के बाद सीपीओ के सामने खड़ा होके चला के और इसको रीड करना कि क्या ऐसा कोई फॉल्ट है जो बार बार आ रहा है और जा रहा है। तो बार बार आने जाने वाले फॉल्ट क्या मिलेगा आपको, एचपी का मिल सकता है, एलपी का मिल सकता है, कंडेंसर की ट्यूब का मिल सकता है, 400 वोल्ट को मिल सकता है, इस तरह के यहाँ पे खड़े होकर रीड करना है। अगर वो फॉल्ट बार बार वो ग्लो कर रहा है तो फिर उस फॉल्ट पे काम करना है। अगर एचपी पे आ रहा है तो एचपी पे हम काम करेंगे कि एचपी क्यों बार बार आ रहा है, एलपी पे आ रहा है तो देखेंगे एलपी क्यों आ रहा है बार बार। ऐसा तो नहीं है कि एकदम गैस कम है, थोड़ी देर के लिए एलपी बराबर होता फिर एलपी कम हो जाता है, कंडेंसर की ट्यूब में कहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, मोटर हमारा हीट हो गया है। तो ये फॉल्ट आपको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करते ही आपका ये फॉल्ट चला जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने यहाँ तक देख लिया, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। ये देखा।